खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के बबनी में 4 महीना पहले मात्र 400 रुपए के लिए भोला प्रजापति नामक एक शख्स की हत्या हुई थी। आरोप है कि उस हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के पुत्र इंद्र कुमार जब सासाराम के SDPO विनोद कुमार रावत से मिलने पहुंचे तो उस दौरान SDPO ने पीड़ित के साथ मारपीट की। मृतक के पुत्र इंद्र कुमार ने बताया कि अपने पिता के हत्यारों के संबंध में जब थाने में जानकारी लेने जाता है तो उसे SDPO के यहाँ जाने के लिए कहा जाता है, इसीलिए वे जब SDPO के यहाँ आए तो SDPO द्वारा फिर थाने में जाने की बात कही जा रही है। उनके पिता की हत्या के 4 महीने बीत गए लेकिन अभी भी कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस मसले पर बातचीत करने पहुंचे तो आरोप है कि SDPO विनोद कुमार रावत भड़क गए एवं मृतक के पुत्र के साथ मारपीट कर दिया। SDPO विनोद कुमार रावत का कहना है कि मृतक के पुत्र उनके पास आए थे तथा बेहद आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने उसे अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से बाहर करवा दिया। उन्होंने मारपीट के आरोप से इनकार किया है तथा कहा कि अब तो थाने स्तर पर भी मारपीट की मनाही है, ऐसे में DSP लेवल पर तो मारपीट की बात हो ही नहीं सकती। बता दें कि SDPO कार्यालय में इन दिनों मरम्मति का कार्य चल रहा है। ऐसा है कि एक व्यक्ति हैं जो करगहर के किसी मर्डर केस में आए थे तो वो आते ही बोलते हैं सर गिरफ्तारी आप क्यों नहीं कर। हमने कहा कि भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस केस में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और आप कह रहे हैं हमको गिरफ्तार करने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि SDPO गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो आप लोकल थाना प्रभारी जो संबंधित थाना प्रभारी उनको आदेश या उनको निर्देश दिया जाता है। तो आप किस थाना से आए भाई साहब पहले तो बताइए, करगहर से आए तो किस में कहाँ का मुद्दा है। तो मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि बबनी का है। हम कहे ठीक है, हम बोल देते हैं बड़ाओं को जो बबरा वो गिरफ्तार करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं सर, बड़ा वो हमको आदेश देकर बोल भेजे हैं कि आप SDPO से DSP से जाकर मिलिए और DSP गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा कि आप DSP गिरफ्तार नहीं करते, लेकिन वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे, शिव सागर के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, वहाँ चुटिया के थानेदार बैठे हुए थे, चुटिया थाना के वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, एक पत्रकार बंद बैठे हुए थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। मेरे चैम्बर की बात है, उसके बाद भी वो और गए नहीं जा रहे थे, तो मेरे बॉडीगार्ड के द्वारा उनको चैम्बर से बाहर कर दिया। तो यही बात है, यहाँ पर रही मारपीट की बात, कहीं से भी उसमें 1% भी कहीं से सकते नहीं, क्योंकि मारपीट अब ये थाने लेवल से भी बंद हो गया है, तो हम लोग के लेवल पर तो आप समझ लीजिए कि सवाल ही पैदा नहीं। घटना हुआ है कि सर हमारे पिताजी का 4 महीने पहले मर्डर हो गया, और मर्डर के क्रम में हम DSP के साहब के पास आए थे तो वो बोले कि पूछे कि सर हमारा मर्डर केस में क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि तू जाओ थाने पर, थाने पर की बात हुई तो मैंने थाने पर बोले कि सर थाने पर गए थे, थाने वाले बोल रहे हैं कि जाओ DSP पास, और DSP के पास आए हैं तो आप कह रहे हैं उधर जाओ है? तो सर क्या होगा, हमारा पूछे कि सुपरविजन का सर क्या हुआ, तो बोले कि तू हमारा मालिक है, उसी पर उठ के हमको 2-4 तबड़ाक मार दिए थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद उर्फ भोला प्रजापति। कब की घटना है? 27/6 का सर, 27/6/2021 को। पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, दो आदमी आत्मसमर्पण किए हैं, सिलेंडर किए हैं। कहाँ की घटना है? बबनी की। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार। किसके द्वारा मारपीट की गई है? मारपीट सर वो 400 रुपये के लिए मार हुआ था। अभी जो मारपीट हुआ, अभी मारपीट जो हुआ है सर DSP साहब के साथ, कहे लिए मारपीट किया? मारपीट सर यही हम पूछने के लिए पहुंचे कि सर ऐसा है कि हमारे पिताजी का सर क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है, वो लोग खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, और इसी क्रम में पूछने गए और उसी पर उठ के हमारे ऊपर तबड़ाक से मारने लगे। सर कहाँ बैठे थे? सर सर यहीं बैठे थे सामने, और सामने कैमरा भी लगी है, नहीं है तो कैमरा में उसका फुटेज निकलवा के देख लिया जाए।